हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, क्या इंडिया में बन सकता है पहला आइस टनल? अरे वाह, देखते हैं भाई। आइस टनल? आइस टनल, अच्छा, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? नहीं बन सकता है, पर आइस टनल क्यों बनेगा, क्यों बनाते हैं मतलब? मतलब आपने एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बहुत सारी आइस ग्रेवी है। अब आप एक तरीका हो सकता है, ऊपर से जा सकते हैं, खोद के जा सकते हैं। अच्छा, मैं वही मैं सोच मुझे तो ये लग रहा है ये पता नहीं कुछ और ना हो। अच्छा चलो, फिर देखते हैं वीडियो और कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा जो दूसरा चैनल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। ये रास्ता मेरे लिए बहुत खास है, कई बार देखा, बचपन से ही चलता रहा हूँ इस रास्ते पे। पहले स्कूल के लिए, फिर कॉलेज, फिर काम के लिए। यह है रास्ता जो लद्दाख को कश्मीर से जोड़ती है। लेह से निकलती है, फिर कारगिल से होते हुए जोजिला दर्रे को पार करते हुए श्रीनगर पहुंचती है। इस रास्ते पे मैंने बहुत सफ़र किया है, ज़्यादातर हिंदी में, कभी कभी अंग्रेज़ी में भी, क्योंकि ये रास्ता आए दिन बंद होता रहता है। जब भी भारी बर्फबारी हो तो ये रास्ता बंद हो जाता है, और फिर 6 महीने के लिए, तो दिसंबर से मई तक ये बंद ही रहता है, और इसके साथ कट जाता है लद्दाख सारी दुनिया से। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस रास्ते पे बन रहा है एक सुरंग, जोजिला टनल, और उसके साथ ही लद्दाख जुड़ जाएगा दुनिया से। जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक दर्रों में से एक है। मेरे ख्याल से बहुत जाने ली हैं इस दर्रे ने, और अब जब सुरंग बन भी जाएगा, तब भी उस सुरंग तक पहुंचने के जो रास्ते हैं उसे साफ रखने के लिए, क्योंकि बर्फबारी बहुत होती है 1-2 मंजिल तक की, उसे साफ रखने के लिए भी बहुत मशीनें लगेंगे, लोग लगेंगे, और खर्चा करोड़ों में होगा सालाना। और फिर प्रदूषण का, आलूदगी का क्या कहें, सैकड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाएगी इन मशीनों से जो इस रास्ते को साफ रखेंगे। तो आज मैं एक अलग ही मिशन पे इस रास्ते पे जा रहा हूँ, 300 किलोमीटर के सफ़र पर जोजिला दर्रे तक, वहाँ के टनल को देखने, और फिर ये देखने कि क्या बिना मशीनों के टनल तक पहुँचने वाले इन रास्तों को साफ रखा जा सकता है। आइए मेरे सफ़र में आप भी जुड़िए, अंग्रेज़ी के नहीं, हिंदी के सफ़र। तो इन चट्टानों को जरा गौर से देखिएगा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, क्योंकि ये अगले आने वाले महीनों में नहीं होने वाला है, और यहाँ होने वाला है एक सुरंग, और फिर कुछ सालों में उस सुरंग में से आप अपने आप को जाते हुए पाएंगे। तो गौर से देखिएगा इस हिस्से को जो मेरे पीछे है। तो अब हम आए हैं एक बहुत ही खास मुकाम पे। आप में से जो भी लोग लेह से या कारगिल से अगर श्रीनगर गए हैं, तो आप शायद नहीं भूलेंगे इस मुकाम को। ये मुकाम है जोजिला के पास के बहुत ही करीब मीनामर्ग, जो कि एक चेक पॉइंट आप लोगों ने देखा होगा, उससे हम 1.5 किलोमीटर आगे आए हैं। और अभी जोजिला का जो जीरो पॉइंट है या टॉप है, वो कोई 8 किलोमीटर दूर है, और हम हैं खड़े उस जगह पे जहाँ पर जोजिला टनल का पूर्वी मुख होगा, ईस्टर्न पोर्टल जिसे कहते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जो टीम यहाँ काम कर रही है जोजिला टनल को बनाने के लिए, हम उनके साथ हैं।
नागा राजू जी हैं जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इस पूरे को देख रहे हैं जो सरकार की तरफ से. फिर इस टनल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, काम है, वो लिया है मेगा इंजीनियर्स, जिस मेगा कंपनी है, ये हैदराबाद से कंपनी है. और आप सीनियर इंजीनियर हैं जिस मिस्टर राम प्रसाद. राम प्रसाद सर. तो सारे टेक्निकल टीम के साथ मैं मिल रहा हूँ यहाँ पर समझने के लिए कि ये टनल किस तरह से बनेगा और कितने टाइम में बनेगा. शुरू में आप नागराज जी बताएंगे इसका क्या टाइम फ्रेम है और कितना लंबा होगा. सर, इट इज एक्सपेक्टेड विद इन नेक्स्ट 6 इयर्स. सिक्स इयर्स, यस, इट विल बी कंप्लीटेड. यस सर. ओके, अगले 6 सालों में. एंड वी हैव प्लान दैट वर्क विल हैपन ऑल थ्रू द ईयर, इवन इन विंटर्स वर्क विल नॉट स्टॉप. ओके, वंडरफुल. सो बाय 2027, यस, 2026 तक हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर आप जब आएंगे तो ऊपर के उन रास्तों से नहीं बल्कि इधर से टनल में अंदर जाएंगे अपने गाड़ी से. इस टनल का जो लेंथ है सर 14.15 किलोमीटर है सर. ओके. और इसका जो डायमेंशन है हमारा, ये हाइट में फिनिश 9.75 मीटर हाइट रहेगी और 10 मीटर हमारी वाइड रहेगी सर. जनरली हम ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से एक्सकवेट करेंगे सर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जोजिला पास इसको टोटली एलिमिनेट कर देगा. हमारा जो वेस्टर्न पोर्टल है वो जो अपना बालटाल से स्टार्ट करेगा एंड ये ईस्टर्न पोर्टल हमारा यहाँ मीना मार्ग से 1.8 किलोमीटर पे निकलेगा सर. एंड ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर की जो स्ट्रैच को है, जो हमारा विंटर्स में क्लोज रहता है सर, उसको एलिमिनेट कर देगा सर. जो 1.5 घंटे का सफर है सर, उसको जनरली हम 20 मिनट में कवर कर लेंगे सर. अब मैं बताऊँ मैं यहाँ क्यों आया हूँ. एक तो समझने के लिए, और आप लोग जो सब यहाँ पर लगे हुए हैं इस सर्दियों में भी, जैसा आप बता रहे हैं ये ऑल वेदर काम चलता रहेगा, तो आप लोगों को सलाम करने के लिए आया हूँ. दूसरा, मैं एक बहुत ही एक क्या कहेंगे क्रेजी आइडिया या पागलपन जो मुझ पे सवार था मेरे कॉलेज के वक्त से, उसको जायज़ा लेने के लिए आया हूँ. जब आपका टनल बन भी चुका हो तो आपके बॉटल नेक्स या रुकावटें होंगी यहाँ से कारगिल तक, यहाँ से द्रास तक यूं कहिए, बहुत बर्फ पड़ती है, तो वो रास्ता साफ रखना भी एक अपने आप में बड़ा काम बन जाएगा. जहाँ पर सड़क हो भी तो दोनों तरफ 4-5-6 फुट के बर्फ होंगे, तो उसको साफ करते रहना पड़ेगा. तो इस टनल के लिए मैं इस आइडिया को इस तरह से देख रहा हूँ कि जो एंट्रेंस का 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का रास्ता हो, उसे कैसे सस्ते में साफ रखा जा सके. अब कितने ही मशीनरी आपको लगाना पड़े कि हर बार बर्फ को हटाते रहें ताकि टनल तक पहुंचे तो तभी टनल का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उस रास्ते में जहां 3-4-5 फुट बर्फ पड़ती हो और जिसको साफ करना बहुत महंगा हो, तो ऐसा आर्च्ड टनल, हॉर्सशू जैसा आपका आकार है टनल का, वैसा ही बर्फ का बनाया जाए. और एक बार अगर बर्फ जम जाए किसी भी तरह, वो मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कैसे किया जा सकता है. एक बार बर्फ अगर जम जाए इस आकार में, यानी कि अंडाकार पैराबोलिक शेप में, तो उसके आकार में ही इतनी ताकत होती है कि फिर उसके ऊपर कितना भी वजन आप डालें वो सहता है. जैसे कहते हैं कि अंडे को अगर खड़ा रखे तो हाथी भी अगर पैर रखे तो वो नहीं टूटेगा, वो तो देखने की बात है. मगर ये बर्फ का जो है वो अंडे के छिलके से तो ज्यादा मोटा और ज्यादा मजबूत होगा, तो उसके ऊपर 5 फुट पड़े या 10 फुट बर्फ पड़े कोई असर नहीं होगा टूटने का. तो पहला जो 4-5 इंच का बर्फ है वो जमाना होगा. एक बार वो जम जाए अगर अंडकार में जी, और फिर उसके नीचे से गाड़ियां जा सकें. छोटा सा एक्सपेरिमेंट आज रात को हम दोनों करने जा रहे हैं, अगर वो काम किया तो फिर ये पूरे किलोमीटर्स पे हो सकता है. और यहाँ तो खैर टनल के मुहाने पे काम आएगी, मगर जैसे और बहुत सारे पासेस हैं जहाँ पे यही एक सहारा भी हो सके. फिर उसके बाद टनल के ऊपर कितना बर्फ पड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये क्रेजी आइडिया मैं यहाँ क्या मुमकिन है क्या नहीं समझने के लिए आया हूँ. इससे कैसे बनाएंगे टनल लाइन डेमो देने के लिए? स्नो इकट्ठी कर रहे हैं, उसको कंप्रेस करके टनल बना के दिखाएंगे ना, छोटी टनल करके कुछ.
तो अभी मैं एक बहुत ही खास जगह पे खड़ा हूँ। क्या आप गेस कर सकते हैं किस खास जगह पे मैं खड़ा हूँ? ये खास कर 5 अगस्त 2019 से बहुत ही खास बन चुका है। जी, मैं खड़ा हूँ उस मुकाम पे जिसे जीरो पॉइंट कहा जाता है, जोजिला पास का टॉप है और यहाँ से लद्दाख शुरू होता है, वेलकम टू लद्दाख, और इस तरफ जम्मू और कश्मीर स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो इस जगह पे अमूमन फरवरी के महीने में आ पाना अपने आप में एक मिरेकल है, वरना यहाँ पर मई के महीने में गाड़ियाँ पहली दफ़ा छूटती हैं हर, अगर आम किसी साल की बात करें तो। मगर इस साल कुछ कुदरत का, कुछ इंसान का, कि बर्फ बहुत कम पड़ी, वरना यहाँ पर किसी भी आम साल में 3 मंजिल तक की बर्फ की दीवारें होनी चाहिए थी। और उस बीच में से हम चलते हैं। हमने ब्लॉग भी बनाया था, ऐसी स्नो थी जब हमने और खुद खोदा था हमने। ढूंढना, मैंने शायद लिखा होगा स्नो स्टॉप करके चैनल में, ढूंढना, बड़ा मजेदार है। ये तो ऑफिस के साथ भी हो रहा है, ये तो होना ही है। कितना तो होगा गाड़ी मतलब हम लोग आगे से ज्यादा हम तो अंदर घुसे। अभी शाम के 5:30 बजे हैं, हम जोजिला और जोजिला के टनल से वापस कारगिल की तरफ जाने की कोशिश में हैं, मगर लगता नहीं है कि जोजिला के पहाड़ और यहाँ के बर्फ हमें वापस जाने देने के मूड में हैं। और अगर आपने सुना हो कि जोजिला लगभग खुल चुका है, श्रीनगर के लिए थ्रू हो चुका है, और फिर भी यहाँ से गाड़ियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, और आप सोच रहे हो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं ये लोग, तो वजह आपको मैं बताऊं, मेरे पैरों के नीचे है वजह। आप देख सकते हैं हम यहाँ फंस गए हैं, क्योंकि अभी अभी एक एवलांच ऊपर से आया और उसने इस सड़क को बंद कर दिया है। और ऐसे एवलांचेस अलग अलग जगह पे इस वक्त पे आते रहते हैं, इस वजह से जब तक ये रोड स्टेबल नहीं हो जाता, शायद इसीलिए अथॉरिटीज गाड़ियों को अभी छोड़ नहीं रही हैं, हालांकि रोड थ्रू हो चुका है। तो ये एवलांच 3 जगहों पे मैं देख रहा हूँ आया हुआ है, जिसने सड़क को बंद कर रखा है, और हम इंतजार कर रहे हैं कोई इमदाद, कोई मदद आए और इस सड़क को खोल दे और फिर हम आगे जा सकें। मदद हमने बुला ली है। तो ऐसी अनसर्टेनिटीज इस रास्ते पर आम है, और इसलिए बहुत एहतियात, बहुत केयरफुली लोगों को आने जाने की जरूरत है इस सड़क पर। जान बची लाखों पाए, किसी तरह हम रात होते होते निकल सके। हम खुशकिस्मत थे कि हमारे लिए मदद आ पाई, वरना पता नहीं क्या होता। तो इससे पता चलता है ऐसे आइस टनल्स की महत्व क्या है, क्योंकि ऐसे एवलांचेस उस टनल के ऊपर से ही फिसल कर निकल पड़ती। बहरहाल हम अब कारगिल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ रात गुजारेंगे। तो अब हम वापस आ गए हैं कारगिल जोजिला से और अपने सेकमोल अल्टरनेटिव स्कूल में। यहाँ पर अब हम एक छोटा सा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये आइस आर्चेस, बर्फ के गोलाकार जो वजन ले सके नए बर्फ का, बनाए जा सकते हैं कि नहीं। तो आर्च का एक मैंने सांचा लिया है और इस पे सीधा बर्फ जमाएं वो तो समय लेगा, तो एक आसान तरीका हो सकता है कि हम स्पंज को ले। मैंने स्पंज के मैट्रेसेस लिए हैं जो कि पानी जब हम डालें तो सोख लेगी, और फिर ये पानी जब जम जाए तो ये पूरा स्पंज गोलाकार में सुबह जम के हमें मिले। तो मैं अपने साथियों के साथ इसमें पानी डालने जा रहा हूँ, एक तो स्पंज में और दूसरा रूई में, दोनों हम देखेंगे। हम अब इसमें पानी डाल के इसमें पानी सोके और फिर रात को हम इसे छोड़ेंगे, देखेंगे कि सुबह ये कैसे जमता है, और अगर हम ये इसके शटरिंग को हटा दें तो फिर ये बर्फ रहता है या नहीं। तो स्पॉन्ज के मैट्रेस की तरह ही ये मैं कपास, कॉटन के मैट्रेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि
स्पॉन्ज उतना पानी सोख नहीं पा रहा था और कॉटन शायद ज्यादा सोख करे, या फिर आप में से किसी को अगर ऐसे ऊनी या फ्लफी चीजों के बारे में हो पता हो जो पानी ज्यादा सोख कर सके, और जब वो पानी फिर जम जाए तो फिर हम ये फॉर्म वर्क जो सांचा है उसे हटा दें और रह जाए सिर्फ बर्फ का एक गोलाकार जो वजन उठाने के सक्षम हो, और फिर आगे जाकर यही बर्फ का गोलाकार स्नोफॉल या बर्फ जितना भी पड़े उसका वजन आसानी से उठा सके और नीचे से इस टनल के गाड़ियां चल सके। दोस्तों ये बस एक कल्पना थी, एक तसव्वुर था, रास्ता अभी लंबा है, मगर क्या खबर ये एक सच्चाई भी बन सकती है, क्योंकि हर सच्चाई कभी ना कभी एक कल्पना ही थी। तो सफर जारी रहेगा, आप अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। तो फ्रेंड्स कमाल का वीडियो था, मतलब देखो कितनी अलग सोच है और कुछ करने की आउट ऑफ द बॉक्स, और अपने लिए नहीं कंट्री के लिए, कि कैसे वहां पे जो लाइफ है वहां पे आसानी से हो, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने को मिले, और वहां टनल बन रही है पर उस टनल के आगे भी ब्लॉकेज हो सकती है, स्नो हो सकती है, तो वहां जहां मेनली ब्लॉकेज होने के चांसेस है तो वहां पे कैसे उसको बाबा क्लीन करने की जगह क्या करना है। तो उन्होंने वो आइस टनल का जो है कॉन्सेप्ट दिया है और उसको बना के उन्होंने दिखाया भी उस टाइप से कि पानी से उसको करके फिर दिखा रहे थे कि ऊपर बैठ के भी एक इंसान बैठा भी हुआ है उनके स्टूडेंट में से कोई, और फिर भी वो टूट नहीं रहा। अगर तो ये कॉन्सेप्ट वाकई में मतलब हो जाए ना कामयाब, तो बहुत ही धमाकेदार चीज होगी कि आप आइस के ऐसे टनल्स बना दो, एक बारी बना दिया पूरे सीजन वो चलेगा, और कोई बार बार आपको साफ करने का वो प्रॉब्लम ही नहीं, और लोग आसानी से जा सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है जब ये ट्राई आउट करते हैं कुछ इस टाइप से आगे करें, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि अभी तो एक कॉन्सेप्ट ही है, तो अब उसको आगे भी लेके जाएंगे, पर बेस्ट ऑफ लक है उनको हमारी तरफ से, और पूरी होप है यही कि भाई ये कामयाब हो जाए। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था, और मेरे ख्याल से अब आप देखें अगर आप इग्लू देखते हैं तो इग्लू भी आइस का ही बना होता है, जो आइस स्ट्रॉन्ग होती है, इग्लू इसी शेप का होता है, स्ट्रॉन्ग आइस होती है, टूटता थोड़ी कोई घर, और इग्लू आसानी से टूटता नहीं है, ऊपर एवलांच आते तो वो बात अलग है कि चारों तरीके से गिर जाता है, मगर अंदर लोग जो है वो ठीक रहते हैं और बाद में उनको डिग करके बाहर निकलना पड़ता है, तो वही कॉन्सेप्ट है इग्लू वाला, मगर ऑफकोर्स क्योंकि ये वहीं के रहने वाले हैं तो इनको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, और ये अच्छा इसलिए करें क्योंकि ये चाहते हैं कि टनल आए, वो अपने आइडिया लगा रहे हैं कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, उससे फायदा ये होगा कि लोग आसानी से आ सकेंगे जहाँ टनल बन रही है, जहाँ पे एक ड्रिलिंग मशीन आएगी जो पूरा रॉक को ड्रिल करेगी, मगर वो यही कह रहे थे कि यहाँ तक तुम कैसे पहुँचोगे जब रास्ते पूरे ब्लॉक हो जाएंगे, तुम्हें मशीनरी चाहिए होगी, मशीनरी से बार बार तुम स्नो निकालोगे, पॉल्यूशन होगा, उसके बदले अगर मैं स्नो टनल बना दूँ तो तुम आराम से आ सकते हो और यहाँ से ड्रिलिंग कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी बात है कि अप्लाई करें अपने आइडियाज, और ऐसे ही अप्लाई करने पड़ते हैं आपको आइडियाज जिससे फिर अल्टीमेटली सक्सेस आती है, क्योंकि अभी करेंगे उनको कुछ पता चलेगा, फिर और रिफाइन करेंगे फिर पता चलेगा, तो काफी अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। हर एक इंसान जिसने साइंस की है, जिसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, ऐसे ही होता है, आपको छोटा ट्राई करना पड़ेगा फिर और ट्राई करना पड़ेगा, मगर इन्होंने जो है मौका बहुत अच्छा यूज किया है कि वहां पे टनल बन रही है, और अगर उनका थोड़ा हेल्प कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वेरी नाइस वीडियो। बिल्कुल, और इससे पहले हमने इनकी एक वीडियो की थी जिसमें उन्होंने सोलर टेंट मिलिट्री के लिए भी उसका भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया था, तो अमेजिंग है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।